दिल्ली की जीत के बाद प्लेऑफ का दंगल अब और भी ज्यादा रोमांचक हो गया है। आईपीएल 2022 के 50 मैच पूरे हो चुके हैं और अभी तक 10 टीमों में से सिर्फ एक की किस्मत का फैसला पूरी तरीके से हो पाया है। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस सिर्फ 9 मैच खेलकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। तो कौन सी टीम अभी कर सकती है क्वालिफाई और किसका कटा है पत्ता, उसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली की टीम ने हैदराबाद को 21 रनों से करारी शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल के बीच के हिस्से को अखाड़ा बना दिया है, जहां कई टीमें आगे बढ़ने के लिए भिड़ रही हैं। हैदराबाद पर मिली जीत के साथ दिल्ली अब पॉइंट्स टेबल में 7वें से उछलकर सीधे 5वें पायदान पर पहुंच गई है। 5 मई को डेविड वार्नर ने अपनी पुरानी टीम हैदराबाद को पिछले सीजन के व्यवहार के लिए जमकर सजा दी और तूफानी पारी खेलते हुए 92 रन ठोक दिए। उनके अलावा रॉबिन पॉवेल ने भी हैदराबाद को खूब पीटा। दिल्ली ने 207 रन बनाए, जबकि हैदराबाद ने एक बार फिर आखिर में निकोलस पूरन पर जीत की जिम्मेदारी छोड़ दी। लगातार दूसरे मैच में पूरन ने तूफानी अर्धशतक जमाकर जीत की पूरी कोशिश की, लेकिन पिछली बार की ही तरह वो भी इस बार नाकाम रहे। हैदराबाद को हराने के लिए 10 मैचों में दिल्ली ने 5 जीत हासिल करते हुए कुल 10 प्लस अपने खाते में भर लिए हैं। साथ ही उनका पहले से ज्यादा अच्छा नेट रन रेट हो गया है। टीम के पास अब प्लेऑफ में पहुंचने का काफी अच्छा मौका है, उसे कम से कम 3 और जीत चाहिए, बाकी काम नेट रन रेट कर देगा। वहीं एक वक्त लगाकर 5 जीत के साथ तेजी से आगे बढ़ रही केन विलियमसन की हैदराबाद को जोर का झटका लगा है। इस टीम को लगातार तीसरे मैच में हार मिली है, लेकिन अभी भी उनका नेट रन रेट काफी अच्छा है और 10 मैचों में 10 पॉइंट है, लेकिन हैदराबाद अभी दिल्ली से नीचे है और यही कारण है कि वो छठे स्थान पर है। हालांकि हैदराबाद के पास अभी भी प्लेऑफ के लिए अच्छा मौका है। अब सबकी नजरें शुक्रवार 6 मई के मैच पर हैं, जिसमें गुजरात और मुंबई के बीच एक बेहद ही हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। गुजरात की टीम सबसे ज्यादा 16 पॉइंट के साथ टॉप पर बनी हुई है और लगभग क्वालिफाई भी कर चुकी है। हालांकि उसे अभी भी अपने नाम पक्का करने के लिए एक जीत की दरकार है। गुजरात को अपने पिछले मुकाबले में पंजाब से हार का सामना करना पड़ा था और ऐसे में वो जीत के साथ फिर से लय में आना चाहेगी और प्लेऑफ का टिकट हासिल करना चाहेगी। वहीं टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी मुंबई से बाकी टीमों की उम्मीदें होंगी कि वो जीत के साथ गुजरात को थोड़ा और परेशानी में डालें। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी वो 4 टीमें होंगी जो प्लेऑफ के लिए सबसे पहले क्वालिफाई करेंगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।